नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एसके टेक्नोलॉजी चैनल में। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी में वैकेंसी निकल के आया, आईटीआई वालों के लिए टेक्नीशियन की वैकेंसी निकल के आया, अच्छी खासी वैकेंसी। तो चलिए इस वीडियो में पूरा कंप्लीट प्रोसेस जानेंगे कैसे इसे अप्लाई करना है स्टेप बाई। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये इसका ऑफिशियल पेज है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर सिंपली क्लिक कर लेना है। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, चलिए मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, मैं बात करूँ यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट जनरल वैकेंसी है दोस्तों, देख सकते हैं। और इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 06 एग्जाम 2019 14/8/2019 को इसका आया था। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके 14/8/2019 से और इसकी लास्ट डेट है 4/9/2019। तो 4/9/2019 के पहले आपको अप्लाई कर लेना है। तो चलिए अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना है, इधर आना है। यहाँ पर देख सकते हैं यूजर इंस्ट्रक्शन में, यूजर इंस्ट्रक्शन में आप जाकर जो है इसके नोटिस पढ़ सकते हैं। यहाँ से आप इसका एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, नोटिफिकेशन डाउनलोड करके अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। और फिर इसके बाद जो है जब आपको अप्लाई करना हो तो सिंपली यहाँ अप्लाई पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं अप्लाई करके आपको दिखा देता हूँ। उसके पहले तो यहाँ पर अप्लाई पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, यहाँ पर देख सकते हैं इसकी यहाँ पर नोटिस आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, एग्जामिनेशन नोटिस फिर से वही यहाँ पर शो करेगा। और इसके बाद जो है यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर वैकेंसी शो करेगी असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन की। यहाँ से आप वैकेंसी देख सकते हैं, टोटल वैकेंसी की बात करूँ तो टोटल 486 वैकेंसी हैं कैटेगरी वाइज डिवाइड, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं डायरेक्ट अप्लाई करता हूँ। तो अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली यहाँ कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, चलिए मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो जैसे ही आप अप्लाई कर क्लिक करते हैं आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि इसके पहले आपने जो है कोई फार्म यूपी ट्रिपल एससी का अप्लाई किया है, तो अगर आपने अप्लाई किया तो यहाँ पर यस करेंगे और नहीं किया तो नो करेंगे। यस करेंगे तो आपको जो है पर्सनल डिटेल इंटर नहीं करनी होगी, वो पहले से फिलअप हो जाएगी पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे ही इंटर करेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं किया तो आप नो पे करेंगे और नो पर क्लिक करके यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कुछ नोटिस यहाँ पर निकल के आएगी। तो इसे पढ़ने के बाद यहाँ आई एग्री पर क्लिक कर देना है, आई एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप आई एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं फार्म स्टेप की बात करूँ मैं तो टोटल 5 स्टेप में फार्म है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे जैसे एक एक स्टेप पूरा करते जाएंगे ये ग्रीन होता जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 5 स्टेप में। तो चलिए पहला जो है स्टेप देख लेते हैं हम। यहाँ पर देख सकते हैं नोटिस आपको मिल जाएगी, इसके बाद कैंडिडेट पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन इंटर करनी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर चलिए मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप करके दिखा दूंगा। तो यहाँ पर चलिए मैं फिलअप करके आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देखा देता हूँ मैं एक एक स्टेप करके पूरा फॉर्म फिलअप करके। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले आपको अपना पर्सनल डिटेल इंटर करना है, कैंडिडेट का पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल में आपको सिंपली यहाँ पर नेम इंटर कर लेना है, फादर्स नेम और मदर्स नेम जो है हाई स्कूल के मार्कशीट के हिसाब से। इसके बाद आपको डोमिसाइल सेलेक्ट कर लेना है, यूपी के हैं अदर तो यूपी का सेलेक्ट कर लेना है आपको, अगर अदर है तो अदर जो भी हो। फिर इसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आप जो है फ्रीडम फाइटर हैं, तो अगर हैं तो यस, नहीं तो नो, ये सब नो नो रहेगा साधारण कैंडिडेट के लिए, बाकी अपने हिसाब से आप देख लें। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर आप इंप्लॉई हैं यूपी में गवर्नमेंट इंप्लॉई, तो यहाँ पर यस करें, नहीं तो नो, एक्स सर्विसमैन है। तो इसके बाद होम डिस्ट्रिक्ट जो होम स्टेट आपका जो भी यहाँ पर सिलेक्ट कर लें, इसके बाद होम डिस्ट्रिक्ट जो है सिलेक्ट कर लें। इसके बाद कैंडिडेट आपको कौन सी कैटेगरी एस सी एस टी ओबीसी जो भी हो जाए यहाँ पर सिलेक्ट कर लें, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर इंटर कर लें। इसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर लें दोस्तों, अगर मैरिड है तो यस, नहीं तो नो करें, और मोबाइल नंबर ईमेल आईडी इंटर कर लें। इतना इंटर करने के बाद सिंपली दोस्तों आपको नीचे चले आना और यहाँ पर क्वालिफिकेशन हाई स्कूल की डिटेल इंटर करनी है। हाई स्कूल की डिटेल में यहाँ पर सबसे पहले आपको बोर्ड का नेम सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर सारे बोर्ड के नेम है जो भी आपका हो सिलेक्ट कर लेना है, पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर रोल नंबर, और अगर ग्रेड सिस्टम है तो यस, नहीं तो नो कर लेना है, और यहाँ पर आप 10 मार्क और टोटल मार्क इंटर कर लेना है। इसके बाद सिंपली आपको नीचे चले आना है और यहाँ पर जो इसेंटियल क्वालिफिकेशन है, जो जरूरी क्वालिफिकेशन है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे जरूरी यहाँ पर हाई स्कूल आपके पास पास होना चाहिए, तो हाई स्कूल अगर पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। तो हाई स्कूल की डिटेल यहाँ पर इंटर कर लेनी है, हाई स्कूल में यहाँ पर आपको जो है कैंडिडेट या इसे यस कर लेना है, और यहाँ पर बोर्ड का नेम सेलेक्ट कर लेना है, और इसके बाद यहाँ पर जो है पासिंग ईयर इंटर कर लेनी है। पासिंग ईयर के बाद चलिए मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर सिंपली आपको पासिंग ईयर और यहाँ पर अपना रोल नंबर और
पासिंग डेट जो है इंटर कर लेना, जो कि आपके मार्कशीट पर पड़ा होगा, और यहाँ पर ग्रेड सिस्टम में नो कर लेना और आप 10 मार्क और टोटल मार्क इंटर कर लेना सिंपली। इसके बाद दोस्तों चलिए दूसरा जो है क्वालिफिकेशन, इसमें जो है सर्टिफिकेट आपके पास ITI का होना चाहिए, तो यहाँ पर यस कर देना है और अपने कॉलेज का नेम इंटर कर लेना है या बोर्ड भी सिलेक्ट कर लेना है जो भी। इसके बाद ईयर आप पासिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर रोल नंबर और सर्टिफिकेट का पासिंग डेट जो भी लिखा हो इंटर कर ले, और इसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट कर ले ग्रेड सिस्टम है या जो है कैस्ट सिस्टम नहीं, तो यहाँ पर सिंपली आपको जो है नो कर लेना है अगर ग्रेड सिस्टम में नहीं, तो फिर इसके बाद मार्क इंटर कर लेना। चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको, तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर सिंपली आपको जो है आप 10 मार्क और जो है टोटल मार्क इंटर कर लेना है ITI का। इसके बाद जो है सिंपली आपको यहाँ पर नीचे चले आना है और कैप्चा इंटर कर लेना है, कैप्चा इंटर करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। चलिए मैं दिखा देता हूँ, जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपका ऐसा नोटिस दिखेगा, इसे ओके कर लेना है। ओके करने के बाद देखिए आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, यहाँ पर सारी डिटेल आपकी शो करेगी। यहाँ पर देख सकते हैं कंग्रेचुलेशन यू हैव बिन रजिस्टर सक्सेसफुली, आप रजिस्टर हो चुके सक्सेसफुली और आपके मोबाइल नंबर और ईमेल पर जो है रजिस्ट्रेशन नंबर भेज दिया जाएगा। इसके अलावा आपकी सारी डिटेल यहाँ पर शो करिए, आप देख सकते हैं सारी डिटेल एक बार मैच कर ले, और मैच करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं मार्क सब शो करेगा रोल नंबर। इसके बाद जो दोस्तों आपको नीचे चले जाना है और यहाँ पर आपको जो है क्या करना है, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, तो यहाँ पर सिंपली आपको क्लिक कर लेना है क्लिक टू फोटो विथ सिग्नेचर, तो इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका फोटो और सिग्नेचर का ऑप्शन आ जाएगा। चलिए मैं दिखा देता हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ फर्स्ट स्टेप पूरा हो चुका है। इसके बाद आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, तो चलिए फोटो और सिग्नेचर का देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ क्या होना चाहिए। फोटो की जो हमारी साइज होगी, चलिए मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं फोटो की जो हमारी साइज होगी वो होगी हमारी 30 KB, मैक्सिमम 30 KB होगी, और जो हमारी सिग्नेचर की साइज होगी 20 KB होगी, 30 KB 20 KB होगी। और फोटो की बात करें तो फोटो की जो साइज होगी 3x5 cm x 6 cm होनी चाहिए टोटल मिलाकर दोस्तों, तो यहाँ पर आप जो है अलग अलग अपलोड कर सकते हैं। फोटो की देख सकते हैं 3x5 cm x 4x5 cm फोटो होगा, सिग्नेचर 1.5 भी देख सकते हैं, टोटल मिलाकर 6 होना चाहिए जो, क्योंकि फोटो इसके नीचे आता है, एक ही में दोनों नहीं होगा, अलग अलग होगा, फोटो और सिग्नेचर अलग अलग होगा दोस्तों। तो यहाँ पर सिंपली आपको इस प्रकार का अपलोड कर लेना है, और अपलोड करके चलिए मैं अपलोड करके आपको दिखा देता हूँ एक बार, तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दिया। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर अपलोड एंड फोटो एंड सिग्नेचर पर कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे देख सकते हैं आपका फोटो और सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा, और आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं फोटो इमेज एंड साइन सक्सेसफुली अपलोड हो गया है, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद अब आपको जो है तीसरा स्टेप में फीस पेमेंट करनी होगी। यहाँ पर देख सकते हैं तीसरा स्टेप में आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन आएगा, डिक्लेरेशन पर ओके कर लेना है, यहाँ पर क्लिक कर लेना। क्लिक करेंगे आपका फार्म आपके सामने शो होगा, यहाँ पर सारी डिटेल आपको शो होगी, एक बार सारी डिटेल को मैच कर लेना है, और देख सकते हैं सारी डिटेल होगी, इसके बाद आपको मैच कर लेना है। यहाँ पर जो है आपको एज प्रूफ का जो है सर्टिफिकेट दे सकते हैं, जरूरी नहीं ये, यहाँ पर वैकल्पिक है, ऑप्शनल है। यहाँ पर एज का मैट्रिकुलेशन का डिटेल इंटर करना है तो कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, तो यहाँ पर करने के लिए क्या करना है, पर इशू अथॉरिटी जो भी आपकी अथॉरिटी हो, जैसे मैट्रिक का सर्टिफिकेट जो है यूपी वालों के लिए, यूपी बोर्ड ऑफ इलाहाबाद, तो यहाँ पर उसका अथॉरिटी हो जाएगा, डेट किस डेट को जो है वो इशू हुआ है, डेट हो जाएगा, सर्टिफिकेट नंबर हो जाएगा, यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करेंगे इंटर हो जाएगा। ऐसे ही कास्ट सर्टिफिकेट अगर SC ST OBC हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट भी यहाँ पर, तो उसकी इशू अथॉरिटी जैसे स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी हो, और उसकी इशू डेट और यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर इंटर करके आपको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर नीचे आएंगे तो नीचे देख सकते हैं सारी डिटेल आपकी शो कर रही है यहाँ पर, तो डिटेल देखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एड्रेस फिलअप करना है। तो चलिए यहाँ पर जो है आपको देख सकते हैं, यहाँ पर अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन है जैसे सर्टिफिकेट कंप्यूटर का है, NCC का सर्टिफिकेट, तो यस करें, नहीं तो नो, इसे छोड़ दें ऐसे। और यहाँ पर आपको अपना एड्रेस फिलअप करना है, तो एड्रेस फिलअप कर लेते हैं। एड्रेस फिलअप करके आपको अभी मैं दिखा देता हूँ, एड्रेस फिलअप कर दे, एड्रेस फिलअप करने के बाद यहाँ पर जो है आपको आगे बढ़ जाना है। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ एड्रेस फिलअप करके आपको, तो दोस्तों देख सकते हैं डिक्लेरेशन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पर सारी डिटेल आपकी शो करेगी, फोटो सिग्नेचर और उसके साथ सारी डिटेल यहाँ पर शो करेगी। आप एक बार सारी डिटेल अपना चेक कर ले, चेक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको एज प्रूफ मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट का डिटेल इंटर करना है, तो यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर सिंपली मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको उसकी अथॉरिटी इशूई अथॉरिटी जैसे यूपी बोर्ड है, तो यूपी बोर्ड आप इलाहाबाद सेलेक्ट इंटर कर लें। इसके बाद उसका डेट जो सर्टिफिकेट पर डेट लिखा हुआ है यहाँ पर इंटर कर लें, और सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर इंटर करके अपलोड पर क्लिक कर दे, तो ये ग्रीन कलर से हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप OBC SC ST कैंडिडेट है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करनी पड़ेगी, तो जो अथॉरिटी जैसे स्टेट गवर्नमेंट का है तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल
गवर्नमेंट का है तो सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसकी इशू डेट और सर्टिफिकेट नंबर इंटर करके अपलोड पर क्लिक कर दे सिंपली। इतना करने के बाद दोस्तों आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो है बाकी सारी डिटेल आपकी पहले से फिलअप हो गई, तो यहाँ पर शो करेगी, एक बार चेक कर लें। और इसके बाद नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर जो है एड्रेस फिलअप करना पड़ेगा दोस्तों, तो एड्रेस आपको फिलअप कर लेना है, जो भी यहाँ केयर आपका नेम इंटर कर लेना है। इसके बाद अपना विलेज, यहाँ पर विलेज पोस्ट डिस्ट्रिक्ट और जो है अपना जो है पिन कोड सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो है अगर दोनों सेम है तो यहाँ पर क्लिक कर लेना है, परमानेंट और टेम्परेरी एड्रेस सेम है तो, नहीं तो अलग अलग है तो इंटर कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों सिंपली आपको यहाँ पर नीचे चले जाना है और यहाँ पर डिक्लेरेशन पे इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर यस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यस पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं आपके सामने ऐसा इंटरव्यू है, तो यहाँ पर प्रीव्यू पर क्लिक कर देना है नीचे प्रीव्यू पर। जैसे आप प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे आपका जो है यहाँ से पूछेगा डू यू वांट टू गेट प्रीव्यू, तो ओके कर देना है। ओके जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर आपको कैप्चा इंटर करने के लिए आएगा, कैप्चा इंटर करके सबमिट कर सकते हैं। एक बार फॉर्म को सारी डिटेल आप चेक कर लें फिर से एक बार, तो यहाँ पर देख सकते हैं सारी डिटेल चेक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका एड्रेस फिलअप हो गया। इसके बाद कैप्चा इंटर करके सबमिट पर क्लिक कर देना, चलिए कैप्चा इंटर करके सबमिट पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कैप्चा इंटर कर लिया, अभी इसका सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपसे पूछा जाए कि आप कंफर्म है, तो आपको ओके कर लेना है। ओके करने के बाद देख सकते हैं आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा, चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको, फिर से सबमिट कर लेते हैं। कर दोस्तों देख सकते हैं जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे कैप्चा इंटर करके आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। देख सकते हैं यहाँ पर तीन स्टेप पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब चौथे स्टेप में क्या करना है, आपको फीस पेमेंट करनी है। अगर आप एस सी एस टी कैंडिडेट तो आपको 95-95 रुपये की फीस पेमेंट करनी है। तो 95 फीस पेमेंट करने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू पे रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देना है रिक्वायर्ड फीस पे। तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने फीस पेमेंट की रिसिप्ट यहाँ पर देख सकते हैं ऐसा कुछ आएगा, तो यहाँ पर ओके यस कर लेना है। यस करने के बाद दोस्तों चलिए देख आ देता हूँ मैं आपको, ये आपको फार्म यहाँ पर शो करेगा जो है, यहाँ पर एक बार इसे देख लें जो है, अगर कुछ करेक्शन करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो जो है आगे बढ़ जाए जो है और फीस पेमेंट करें। तो यहाँ पर कैप्चा इंटर करके आपको फीस पेमेंट कर देना है। तो देख सकते हैं जैसे फीस पेमेंट पर क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पर फीस पेमेंट की डिटेल शो करेगी, आपको 95 रुपये फीस पेमेंट करनी है। तो यहाँ पर आपको स्टेट बैंक का ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ पर आपको चूज कर लेना है और प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे आपसे पूछा जाएगा आर यू श्योर, तो श्योर ओके कर लेना है। ओके करने के बाद आपको फीस पेमेंट की वेबसाइट पर भेज दिया जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप नेट बैंकिंग द्वारा करेंगे तो आपको स्टेट बैंक से कोई चार्ज नहीं है, बाकी दूसरे बैंक से करते हैं अदर बैंक से तो 6 रुपये चार्ज लेंगे। इसके अलावा आप डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, स्टेट बैंक का डेबिट कार्ड है, किसी भी डेबिट कार्ड के लिए कोई चार्ज नहीं है, स्टेट बैंक का या अदर बैंक का, अदर बैंक को यहाँ से कर सकते हैं, स्टेट बैंक के लिए यहाँ से कर सकते हैं। और क्रेडिट कार्ड के लिए 12 रुपये चार्ज है, तो आप चाहे जिससे कर सकते हैं, आप बैंक के चालान द्वारा भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं अदर डेबिट कार्ड से करता हूँ, तो अदर डेबिट कार्ड पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पर देख सकते हैं सारी डिटेल मिलेगी, तो इस पर कंफर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे ही कंफर्म पर क्लिक करेंगे फिर से आएगी वो डिटेल, फिर से कंफर्म कर लेना है। कंफर्म करने के बाद देख सकते हैं अब आपको जो है डेबिट कार्ड की डिटेल इंटर करने के लिए आएगी। तो यहाँ पर चलिए मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर डेबिट कार्ड की डिटेल इंटर करने के लिए आएगी। सबसे पहले कार्ड नंबर आपको यहाँ पर इंटर कर लेना है, इसके बाद एक्सपायरी डेट जो कार्ड के पीछे लिखा रहता है डेट इंटर कर लेनी, और कार्ड होल्डर का नेम जिसका नेम से है उसका इंटर कर लेना, और पीछे CVV कोड 3 डिजिट का होता है इस प्रकार यहाँ पर वो इंटर करके कैप्चा इंटर करके पे पर क्लिक कर देना है। जैसे ही पे पर क्लिक करेंगे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, और सबमिट होने के बाद आपको जो है प्रिंट वहां से कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है आज मुझे कमेंट करें, मैं उसका सलूशन जरूर दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।